guys, welcome back to my channel, that is Naina Beauty Mirror. Today I'm going to discuss about wow skin science. Guys, wow skin science के बारे में तो सब लोग जानते हैं, सब लोग बताते हैं क्या है क्या नहीं है, but मैं आपको एक review देना चाहती हूँ, वो भी fair and true. Guys, wow skin science की मैं दो product के बारे में बात करने जा रही हूँ, वो है wow apple cider vinegar shampoo and conditioner. Guys, apple cider vinegar ये claim करता है कि वो natural herb है. एंड वाओ स्किन साइंस की सारी प्रोडक्ट जो होती है वो नेचुरल प्रोडक्ट्स होती है, नो पैराबेन, नो सल्फेट एंड केमिकल फ्री होती है. गाइस, अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं. अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे ए टू जेड, आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही मिलेंगे इसके सारे, आपको कोई भी केमिकल वेस्ट नहीं मिलेगा. गाइस, अगर शैम्पू की बात करें तो मैं आपको दिखाती हूँ कि शैम्पू कैसा दिखता है, दिखने में कैसा है, क्या है, कितना इफेक्टिव है और इसे कैसे यूज़ करना है, मैं आपको सारी जानकारी दूँगी. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा. तो गाइस, हम बात कर रहे हैं वाओ एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू. सो गाइज, दिखने में ये ऐसा है वाओ एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू. ये देखिए, ये ऐसे पैकेजिंग में आता है, बहुत ही क्यूट पैकेजिंग है इसकी. ये ब्लैक एंड गोल्डन कैप में आता है, ये ऐसा दिखता है. गाइज, ये 300 ml की बॉटल है, ये 499 rupees की है और ये आपको काफ़ी टाइम चल जाएगा, ये थ्री मंथ्स अराउंड चली जाएगा. ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से यूज करें तो, अगर मे बी अगर ये क्लेम करता है कंपनी वाओ स्किन साइंस की क्लेम करती है, ये शैम्पू क्लेम करती है कि ये हेयर के पीएच लेवल को बैलेंस करती है, ड्राई फिजीनेस से बचाती है एंड फॉलिंग हेयर को रोकती है. हमारे बाल के कई इश्यूज होते हैं तो अगर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के ऊपर अगर जाए तो मे बी ये काम करता है और मे बी काम नहीं करता है, ट्रू एंड फेयर. ओके, तो शैम्पू जो है ये बहुत ही माइल्ड है, जेंटल है, आपको स्टिकी नहीं लगेगा ये, और ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में है. गाइस, आपको पता ही होगा ट्रांसपेरेंट शैम्पू कितने हमारे लिए अच्छे होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं. वो ट्रांसपेरेंट शैम्पू की ये खासियत है कि उसमें ज़्यादा झाग नहीं बनते, उसे हम बहुत ही माइल्ड रहती है तो उसे झाग नहीं बनते, उसे ऐसे लगाना पड़ता है. तो मैं इसका सही तरीका आपको बताती हूँ, इसके लगाने का तरीका, जो कि है एक मग में आप हाफ मग पानी लोगे, उसमें 2-3 pumps इसे डालोगे, उसके बाद उसको शेक करके आप अपने हेयर पे अप्लाई करोगे, देन उसको 2 minutes रेस्ट दोगे, उसके बाद आपको फिर इसको प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है. गाइज, ठीक है, ये शैम्पू की मैंने बात कर दी है. ठीक है, ओके, अब मैं कंडीशनर की बात करती हूँ. कंडीशनर जो है वो वाओ स्किन साइंस कंडीशनर है, हेयर कंडीशनर, ऑर्गेनिक है, वर्जिन कोकोनट ऑयल की बनी है ये वाओ. ये है कोकोनट ऑयल की कंडीशनर. गाइस, कंडीशनर बहुत अच्छी है, रियली मैं आपको सजेस्ट करूँगी. ये जो कंडीशनर है ये आपके हेयर को बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देता है और हाइड्रेशन देता है. गाइस, अगर आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू के बाद में आपको थोड़ी सी फ्रिजीनेस और ड्राई लगती है. गाइस, अगर आप कंडीशनर करोगे इसके बाद में तो आपको ये बिल्कुल भी फ्रिजी नहीं लगेगी, एकदम लगेगा हाइड्रेशन मिल गया है हेयर को. ओके, तो मैं वाओ एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू एंड कोकोनट की जो रिव्यू है वो, ये दोनों ही 300 ml की है और दोनों ही सेम प्राइस की है. ठीक है, अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू को 3 रेट देना चाहूँगी, एज़ कम्पेयर टू वाओ स्किन साइड कंडीशनर को मैं देना चाहूँगी 4, बिकॉज ये कंडीशनर बहुत मुझे अच्छा लगा. बिकॉज आप इसे किसी भी शैम्पू के साथ यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी शैम्पू के साथ यूज़ करें, और मुझे शैम्पू उतना इफ़ेक्टिव नहीं लगा जितना कंडीशनर लगा. गाइस, शैम्पू क्या है ना, वो मुझे उतनी नहीं जमी, बिकॉज क्योंकि ये मेरे पता ये क्या हुआ, मुझे शैम्पू बिल्कुल भी सूट नहीं की, बल्कि मुझे ऐसा लगा मुझे हेयर फॉल बढ़ रहे हैं तो मैंने स्टॉप कर दिया है. वैसे तो मैंने, मुझे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन अगर मैं करती हूँ तो मुझे इतनी जल्दी रियलाइजेशन नहीं होती है. मैं एटलीस्ट उसे 2 महीने तक तो यूज़ करूँगी, तभी मुझे कोई चीज़ इफ़ेक्ट या इफ़ेक्टिवनेस पता चलेगी. तो मैंने इसे 2 months तक यूज़ किया है, रेगुलरली नहीं बोलूँगी, हफ्ते में 3 weeks हम लोग शैम्पू करते हैं तो 3 weeks ही मैंने इसे यूज़ किया है. तो ये गाइस, शैम्पू मुझे इतनी सूट नहीं की है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, एकदम मुझे वर्स्ट लगा एकदम. और मैं अगर
कंडीशनर की बात करूँ तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी गाइस, क्योंकि ये ना एकदम मतलब बालों को स्मूथ कर देता है। बहुत ज़्यादा फ्रिजीनेस से अब जो भी शैम्पू करो उसको लगा लो, ये आपके स्मूथनेस को इतना एक्टिव कर देगा, इतना मतलब इन्हेंस कर देगा, मैं बोल नहीं सकती आपको। मुझे ये पर्सनली ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन मैं हाँ थोड़ा एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू से डिसअपॉइंटिंग हूँ गाइस, क्योंकि मुझे ये इतना इफेक्टिव नहीं लगा। बिकॉज यही मेरा रीज़न है क्योंकि मैं इसको छोड़ चुकी हूँ। हालांकि ये शैम्पू पूरी खाली हो चुकी है और कंडीशनर मेरा हाफ है, क्योंकि इसको थोड़ा ही सा लगाने से ही गाइस बहुत अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। और इसको क्या ना, ये माइल्ड फेस वॉश में जल्दी झाग नहीं होते, तो इसे बहुत सारा पंप लेना पड़ता है, एटलीस्ट 3 to 4। हाँ, तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको वॉल्यूम चाहिए अपने हेयर पे, तो एक बार आप इसे चांस दे सकते हैं। मेरे गाइस, मेरे हेयर पे तो इतने इफेक्टिव नहीं हुए गाइस, सो मैं फेयर रिव्यू देना चाहती हूँ आप लोगों को। बिकॉज़ क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स इसके लिखे हुए हैं वो बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं। मे बी मेरे पे ये इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये मतलब नहीं है कि अगर आप लोग पे भी इफेक्ट नहीं करेगा। सब डिफरेंट डिफरेंट पीएच लेवल के सबके हेयर्स होते हैं, तो लेट्स डू ट्राई वन टाइम अगेन। आई एम जस्ट सो गाइज, अगर आपको मेरा ये चैनल मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें।